झोना ना खरीदना केंद्र की एक चाल है ते केंद्र सरकार जान बुझ के पंजाब नाले कोझा मजाक कर रही है ते पंजाब नूं हर एक लाइन दे उत्ते हर एक खेतर दे विच बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है ते जिहड़े साडे पंजाबी ने जां किसान ने उहनां नूं जिहड़ी आप सरकार है उसदे खिलाफ भड़काया जा रहा ते साडे खिलाफ गलत जिहड़े मैसेज ने उह कल्ले जा रहे ने सोशल मीडिया ते भी ये अफवाहां फैलाईयां जा रही ने कि सरकार फेल हो गई है सरकार कुछ कम दी नहीं रही पर यह जो कुछ भी हो रहा है जिहड़ी जीरी चो लोकां दा झोना नहीं विक रहा इस दे पिछे केंद्र सरकार दीयां चालां ने ते उहनां ने होर की कहा तुहानूं सुणाउने एक बयान दिता जिहनूं मैं लगता जिहड़ा बहुत ही बेबुनियाद ते झूठा बयान है और पंजाब नूं बदनाम करन वाला बयान है और अपनी जिम्मेवारी तों भज्जण वाला बयान और उन्हां दा बयान ही कॉन्ट्राडिक्ट करदा अपने आप नूं। बिट्टू जी कह रहे हैं जी 44,000 करोड़ की स्पेशल लिमिट असी भेजी, बिल्कुल ठीक है। जदों कैश क्रेडिट लिमिट यानी कि झोना खरीदने वास्ते पैसा सेंटर ने भेजा है तो झोना खरीदने तो बाद झोना अमानत की हुई सेंटर की हुई, बड़ी सुभाविक जी गल है। सेंटर का जिहड़ा खरीदया होया झोना असी तो केयर टेकर है भी तुसी अपना झोना चक लो, जिन्ना चिर नहीं चक्या जाता असी उहदी जिहड़ी है राखी कर रहे हैं। लेकिन इस सारे एपीसोड च जिहदे च बीजेपी लगातार पंजाब नूं वितकरा कर रही है एक मुहावरा आ वह बड़ा सटीक बैठदा कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटी। चोरी बीजेपी का झोना पिछले साल खरीदया जिहड़ा कि अप्रैल मई तक इन्हां नूं लिफ्ट करना सी, स्पेस खाली करना सी, नवी फसल आनी सी। सारयां नूं पता कि पंजाब च हर साल तकरीबन 180 लख मैट्रिक टन झोना हुंदा है, पैडी हुंदी। और पिछले साल दी फसल पहली गल ते बीजेपी ने चक्की नहीं ते हुण हर रोज बिट्टू जी वर्गे मंत्रियां दे राही पंजाब ते झूठे ब्लेम किए जा रहे। अज वेखो अक्टूबर के महीने च 15 लख मैट्रिक टन एको महीने झोना लिफ्ट हो गया। एक महीने अक्टूबर का मैं तुहानूं डेटा दस रहा, जे एक महीने च 15 लख मैट्रिक टन झोना लिफ्ट किया जा सकता है तो जनवरी तो लैके सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर तक ला लो अक्टूबर का मान लो 15 लख, तो फिर क्यों नहीं 120 लख मैट्रिक टन जिहड़ा सीगा क्यों नहीं जा सकता सी, जा सकता सी, चक्या जा सकता सी, लिफ्ट कीता जा सकता सी बीजेपी वालों। लेकिन बीजेपी जान बुझ के भारतीय जनता पार्टी की मोदी साहब की सरकार जान बुझ के पंजाब तो झोना लिफ्ट नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि इन्हां नूं खुंदक है, पंजाब के किसानां नाल इन्हां नूं नफरत है और किते ना किते वो जिहड़े 3 काले कानून वापस कराए आ किसानां ने उहदा बदला जिहड़ा आ बीजेपी गाहे बगाहे मोदी साहब की सरकार लैंदी। PR 126 जिहदे बारे अज बिट्टू साहब झूठ बोल के गए, आखे जी 3,000 रुपए किलो विकिया, 3,500 रुपए किलो, एवें दा बयान दिता उन्होंने जो मैं पढ़िया मीडिया दे। पहली गल PR 126 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पास किया, 7 साल पहला पास किया बीज है, 7 साल पहला। और जदों भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई नवा बीज मार्केट च लैके आउंदी है उहदे वास्ते तमाम जिहड़े स्टेक होल्डर उहनां दी कंसेंट लई जांदी है जिहदे च शैलर मालक भी हुंदे आ, जिहदे च राइस मिलर्स भी हुंदे आ। और PR 126 अज तो 7 साल पहला मार्केट च आया, कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी दाणा टुटण की गल नहीं आई, कभी किसी तरह की। अज हुण कह रहे जी पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा, असी ITI रुड़की खड़गपुर चेक करावांगे। बीजेपी बहाने लभ रही आ पंजाब के लोगों नूं तंग करन वास्ते, पंजाब के किसानों नूं तंग करन वास्ते। पंजाब दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया PR 126 ऑथराइज ने सेंटर से 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल बी विकिया। बिट्टू साहब झूठ बोल रहे हैं कि 35 रुपए, बिट्टू साहब का बयान सरासर झूठा, बेबुनियाद है।
पंजाब भी पंजाब सरकार के अधीन जिन्हें भी रजिस्टर्ड ऑथराइज डीलर है जिन्होंने पी आर 126 वेचिया और बिल्कुल हाइब्रिड नहीं सी वो 56 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा गया और पिछले 7 साल तो यह बीज मार्केट च है। इस बीज न जड़ा पास करन दी जड़ी कमेटी बनी सी जो तमाम स्टेक होल्डर दी कंसेंट सी पिछले 7 साल च कदी समस्या नहीं आई और बीज भारत सरकार दी अमानत है।